नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है प्रकृति कहती है, उसका अभ्यास पत्र करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास पत्र। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से उन्हें सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ओके, इसका नंबर वन है, सागर क्या कहता है? क्या कहता है सागर? तुम भी ऊंचे बन जाओ, धैर्य न छोड़ो, मन में गहराई लाओ, या सारा संसार ढक लो। ओके, सागर क्या कहता है? तुम भी ऊंचे बन जाओ, धैर्य न छोड़ो, मन में गहराई लाओ, या सारा संसार ढक लो। पढ़ा है हमने कविता में, क्या कहता है सागर? मन में गहराई लाओ, ग वाला सही है। ओके, किस पे राइट का निशान लगाएंगे हम? ग पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यस, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? कौन कहता है? कहे बादल, खहे फूल, गहे धरती, देन नेक्स्ट गहे सागर। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन कहता है धैर्य न छोड़ो? यस, सही उत्तर है ग, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। ओके, यस, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, पर्वत ऊंचे बनने की बात कैसे कह रहा है? कहे शीश उठाकर, खहे मन में गहराई लाकर, गहे फैल कर, देन नेक्स्ट गहे झुक कर। कैसे कह रहा है पर्वत ऊंचे बनने की बात? यस, क सही आंसर है इसका, क। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, है यही वाली लाइन हमारी कविता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, प्रकृति कहती है कविता में आए शब्द धैर्य का क्या अर्थ है? ओके, धैर्य का अर्थ बताना है हमें, ध्यान से सुनना और समझना। क है धरती, ख है धक्का देना, ग है धीरज, देन नेक्स्ट ग है फैलना। तो क्या होगा इसका आंसर? धैर्य मतलब धीरज, तो घ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, धीरज। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, कविता की पंक्ति पूरी करें। नब कहता है फैलो इतना, और आगे हमें लिखना है, कहे ढक लो तुम सारा संसार, कहे तुम भी ऊंचे बन जाओ, गहे मीठी मीठी मृदुल उमंग, और देन नेक्स्ट गहे कोई नहीं। क्या होगा इनमें से? कोई नहीं होगा, या इन तीनों में से कोई है? क्या है हमारी लाइन? नभ कहता है फैलो इतना, आंसर है इसका क, ढक लो तुम सारा संसार। ओके, तो ये तो हमारे हो गए टिक द करेक्ट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना था हमें। नंबर वन पे ग आएगा, मन में गहराई लाओ। नंबर टू ग धरती। नंबर थ्री में क पे सही का निशान आएगा। नंबर फोर ग पे सही का निशान आएगा। देन नंबर फाइव क पे सही का निशान आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, एक शब्द में उत्तर
लिखो। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मन में गहराई लाने की प्रेरणा किससे मिलती है। ओके, किससे मिलती है मन में गहराई लाने की प्रेरणा, पढ़ा है हमने कविता में, यस सागर से। किससे? सागर से। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, धैर्य न छोड़ने की प्रेरणा किससे मिलती है, पढ़ा है हमने, यस धरती से। किससे? धरती से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री, सारे संसार के ऊपर फैलने की प्रेरणा कौन देता है, क्या होगा आंसर इसका, नभ। ओके, या आकाश भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमारा जो कविता है उसमें दिया हुआ है कि नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, इसलिए हम यहाँ पर नभ लिखेंगे। ओके, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आते हैं और नभ ना होकर आकाश लिखा होता है तो आप उस पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कौन कह रहा है, कौन कहता है, यस पर्वत। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ओके, तो आ गया बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग से करने हैं, ठीक है। आप पाठ लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अभ्यास पत्र, उसके बाद सुंदर सुंदर राइटिंग से आप इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। अगर आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं तो फोटोकॉपी करवा के फाइल अप भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी सारी वर्कशीट की एक अलग से फाइल बन जाएगी। ओके, अभी सिचुएशन सही नहीं है, फोटोकॉपी की सुविधा अगर नहीं हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसे सुंदर सुंदर राइटिंग से अपनी नोटबुक में करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।